देर रात चंडीगढ़ के शास्त्री नगर लाइट पॉइंट पर एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला। इस हादसे में बाइक सवार का वाहन अनियंत्रित होकर पोल से जा टकराया और मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक की पहचान गौदरिया के रहने वाले 19 वर्षीय राहुल के रूप में हुई है। मृतक राहुल भाई बहन और अपने परिवार के साथ गौदरिया में रहता था। मृतक के परिजनों द्वारा बताया गया कि युवक पढ़ता था और उसने हाल ही में पढ़ाई छोड़ दी थी। इस सड़क हादसे से मृतक के परिजनों शोक की घड़ी है। राहगीर द्वारा बताया गया कि बाइक सवार व्यक्ति किशनगढ़ की ओर से काफी तेजी से आ रहा था, जिसकी बाइक अनियंत्रित होकर पोल से जा टकराई। राहगीर ने इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी, जिसके बाद सूचना पाते ही चंडीगढ़ पुलिस की कई PCR व IT पार्क थाना के अन्य पुलिसकर्मी पहुंचे। इस मामले की सूचना पाते ही नाइट DSP देवेंद्र शर्मा व इंस्पेक्टर आशा शर्मा भी मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। पुलिस द्वारा मृतक के परिजनों को अस्पताल बुला लिया गया है। वहीं चंडीगढ़ के IT पार्क थाना के सब इंस्पेक्टर दिलावर सिंह ने इस मामले में क्या कुछ कहा, देखिए ये रिपोर्ट। दिलावर सर, एक शास्त्री नगर लाइट पॉइंट पर एक्सीडेंट का मामला सामने आया है, क्या कुछ मामला है वो? इसमें हमें ये पता लग गया है कि एक लड़का चंडीगढ़ से दड़ुआ का रहने वाला है, जिसका नाम राहुल है जी, अपनी मोटरसाइकिल को खुद चला के और वो अपने घर को दड़ुआ की तरफ जा रहा था। उनके पीछे पीछे एक परिवार जो किशनगढ़ में रहता है वो रेलवे स्टेशन पर अपने परिवार को छोड़ने जा रहे थे जी। उन्होंने इस एक्सीडेंट को होते देखा है जी। इसकी मोटरसाइकिल अनबैलेंस हुई है और वो मोटरसाइकिल बिजली के पोल में टकराई है जी। बिजली के पोल में टकरा के इस लड़के की बॉडी जो है वो पोल से टकरा के और ये दूसरी साइड गिर गया रोड के ऊपर, जिससे इसकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है। और जैसे ही PCR द्वारा ये कॉल आई है तो तुरंत इसको हॉस्पिटल लेके आए हैं। इस लड़के ने हेलमेट लगा रखा था अपना, मगर फिर भी वो जो आई विटनेस है इनके पीछे चल रहा था, उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल की स्पीड थोड़ी तेज थी, इस कारण से इसका अनबैलेंस होकर मोटरसाइकिल गिरी है, जिसमें इसको हॉस्पिटल लेकर आया गया तो ये ब्रॉडेड आया है। सर अब पता चला है मृतक का, मृतक की पहचान कहाँ से? मृतक की पहचान उसके परिवार वाले आ गए हैं। हाँ जी, परिवार के भी हैं, उसका सगा भाई भी पहुँच चुका है यहाँ। कितनी उम्र थी सर, कहाँ रहता था? इनका मकान नंबर है 643 विलेज दड़िया। अच्छा, गढ़वाल कॉलोनी के नज़दीक पड़ता है इनका मकान। मौके पर सर ब्रॉडेड हो गया? मौके पे नहीं है, वहाँ से तो इंजर्ड कंडीशन में लेके आए, यहाँ डॉक्टरों के पास जब तक पहुँचा है ये ब्रॉडेड आया है। ठीक है, ड्रंक वगैरह तो नहीं था, ऐसा कुछ तो नहीं जी, कोई ड्रंक? अभी ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। ठीक है सर, ये असल में सर शास्त्री नगर लाइट पॉइंट पर हुआ ये मामला? शास्त्री नगर लाइट पॉइंट से करीब 50 कदम ये रेलवे स्टेशन की तरफ जो जाते हैं वहाँ हुआ। कितने बजे का सर मामला था ये? ये मामला 20 आइडिया 12:20 के लगभग का है। सूत्रों के मुताबिक इस दर्दनाक हादसे की वजह वाहन की तेज रफ्तार बताई जा रही है। खबर वन इंडिया आप सभी से अपील करता है कि ट्रैफिक नियमों की यातायात पालना करें, गाड़ी को धीमी स्पीड में चलाएं, हेलमेट पहने, लाइट पॉइंट पर कभी भी जल्दबाजी न करें। चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट।